साथियों, आज तेलंगाना को एविएशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कारो की स्थापना की गई है। ये अपने तरह का देश का पहला एविएशन सेंटर होगा जो ऐसे आधुनिक इस सेंटर नई पहचान मिलेगी। इससे तेलंगाना के युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में नई उड़ान के रास्ते खुलेंगे। इससे देश में एविएशन स्टार्टअप को रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, मजबूत धरातल मिलेगी। आज भारत में जिस तरह एविएशन सेक्टर नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिस तरह पिछले 10 वर्षों में देश के एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं, इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हैदराबाद का यह आधुनिक संस्थान अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, आज 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है और विकसित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना उतना ही जरूरी है। इसलिए इस साल के बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। हमारा प्रयास है कि तेलंगाना को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आज इंदौर हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में नेशनल हाईवे का विस्तार हुआ है। कंडी रामसनपलई इस खंड को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया गया है। इसी तरह मरियालगुड़ा कोडाट इस खंड का भी को भी पूरा किया गया है। इसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। इससे सीमेंट और कृषि से जुड़े उद्योगों को भी फायदा होगा। आज यहां संगारेड्डी से मादिनागुड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के भी आधारशिला रखी गई है। जब ये पूरा होगा तो तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। 1300 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।